वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी का हम बहुत शुक्रिया करते हैं दोस्तों कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया और हमारे व्यूज़ हमारे हर एक वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से आप देखते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, जिससे हमको और उत्साह मिलता है दोस्तों कुछ ना कुछ नया आपके सामने लाने के लिए, कुछ ना कुछ नया अपग्रेड करने के लिए, कुछ ना कुछ नया बनाने के लिए हमको उत्साह मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज हम स्पेशली वीडियो लेके आए शुगर कैन मशीन की, शुगर कैन मशीन कार्ट जो पावर के बिना चलने वाली है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी पे आप इसको चला सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो से स्टार्ट से लेके एंड तक आप पूरी देखिएगा, और अगर आप हमारी चैनल पे नए आए हुए दोस्तों तो पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली नई नई वीडियोस की डिटेल्स और नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों। तो चलिए हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो से। ये हमारी डॉल्फिन कंपनी की शुगर कैन मशीन है, जिसकी मेन खासियत ये है कि जो इसमें पावर की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको पावर इलेक्ट्रिसिटी नहीं देना है दोस्तों। जैसे कि बहुत सारे एरिया रहते हैं, बहुत सारे लोकेशन रहते हैं, वहां पे शॉप रेंटल लेने के लिए रेंट बहुत ज्यादा रहता है, 15,000-20,000-25,000 रुपए का रेंट रहता है दोस्तों। तो जिसकी वजह से शुगर कैन का ये बिजनेस करना मुमकिन नहीं है दोस्तों। तो जिसकी वजह से हमने पूरी कार्ट बनाई है, पूरी मूवेबल ट्रॉली बनाई हुई है, जिसको आप कोई भी लोकेशन, कोई भी एरिया, कोई भी सर्कल है, कोई भी ग्राउंड है, वहां पे आप इसको लग के अपना एक शुगर कैन का बिजनेस कर सकते हो दोस्तों, गन्ने के जूस का बिजनेस कर सकते हो। ये मशीन पूरी बैटरी ऑपरेटेड मशीन है, और बैटरी मशीन के अंदर इनबिल्ट ही है। एक बार चार्ज करने के बाद 6-7 घंटे तक मशीन चलती है। और अगर आप बैटरी बड़ी डाल देते हो, अभी तो हमने इसमें छोटी नॉर्मल बैटरी डाली, अगर इसमें आप बैटरी बड़ी डाल देते तो 12-15-20 घंटे तक भी आप उसको चला सकते हैं। पूरी मशीन हमने स्टेनलेस स्टील से बनाई है, आप देख सकते हो पूरी पाइप फैब्रिकेशन के ऊपर काट बनाई है, पूरी हेवी फंक्शन के ऊपर बनाई है, और नीचे पूरा हेवी व्हील दिया गया है हमने, आप देख सकते हैं। और व्हील में भी हमने यहाँ पे लॉक दिया गया, आप इसको लॉक भी कर सकते हो, अगर मूवमेंट चलती है गाड़ी तो उसको आप लॉक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और पूरी मशीन आप देखिए, इसका लुक देखिए, उसका उठाव देखिए पूरी कार्ट का, जिसके अंदर दोस्तों हमने शुगर कैन मशीन भी लगाई हुई है। ऑटोमेटिक शुगर कैन मशीन है दोस्तों, जो वन टाइम क्रशिंग है, एक ही बार गन्ना डालना है और सीधा कस्टमर को झूस आपको लगा के देना है। और इसको चिल्ड कैसे देना है, कस्टमर अगर कोई ठंडा मांगता है तो उसको कैसे देना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे आइस बॉक्स भी लगाया है दोस्तों। ये आइस बॉक्स है पूरा, इसका भी हमने स्पेस दिया गया है, ये आइस बॉक्स पूरा पेटी रहता है, इसका स्टोर है, यहाँ पे आप बर्फ डाल सकते हो दोस्तों, ये आइस की जगह है, यहाँ पे आपको जितना रिक्वायरमेंट रहता है उतना बर्फ डाल के दे सकते हो कस्टमर को आप। आपका कोई कस्टमर अगर ठंडा मांगता है तो उसको ऊपर से आइस दे सकते हो। प्लस हमने यही मशीन के अंदर अगर कोई कस्टमर ऑरेंज जूस मांगता है, कोई मौसमी या ऑरेंज जूस या दाड़म है, अनार है, किसी का भी जूस मांगता है दोस्तों, तो उसके लिए मैन्युअल हमने हैंड ऑपरेट वाला जूसर मशीन भी ऐड कर दिया है, जिससे आप कोई भी ऑरेंज का जूस भी कस्टमर को दे सकते हो दोस्तों। मशीन के अंदर दोस्तों शुगर कैन मशीन के अंदर गन्ने के जूस के साथ में अगर आपको नींबू भी डालना है तो नींबू भी डाल सकते हो, अदरक डालना है तो अदरक भी डाल सकते हो दोस्तों, अदरक का टेस्ट देना है तो अदरक का टेस्ट दे सकते हो, नींबू का टेस्ट देना है तो नींबू भी मशीन के अंदर डाल के आप उसको क्रशिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम आपको उसका डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, मशीन को चला के बताएंगे कैसे काम करती है, हमारी मशीन का क्रशिंग रेशियो कैसा है। हम कस्टमर को, हमारे व्यूअर्स कस्टमर को सबको बताते हैं कि हमारी मशीन में एक बार गन्ना डालेंगे 97% क्रश निकलेगा दोस्तों, वो हमारी कंपनी की गारंटी है दोस्तों, चीज की हम गारंटी देते हैं कि गन्ना एक ही बार डालना है, दोबारा डालने लायक रहेगा ही नहीं, क्योंकि पीछे से पूरा बिखरा हुआ निकलेगा गन्ना। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम आपको इसका पूरा ऑपरेट करके स्टार्ट करके बताएंगे चीज को, कैसे चलती है मशीन, थोड़ा हम मूवमेंट कर लेते हैं इसको, देखिए दोस्तों आइए इधर हम आपको थोड़ा बता देते हैं दोस्तों। यहाँ पे इसका स्विच दिया गया है दोस्तों, ये यहाँ से मशीन का स्विच चालू होएगा, ये स्टार्ट होएगा, और ये रिवर्स फॉरवर्ड का है, ऊपर चलेंगे तो गन्ना अंदर जाएगा, और रिवर्स करना है पीछे खींचना है तो पीछे चलेगा। अभी बीच में है दोस्तों, इसलिए मशीन स्टॉप है आपकी, अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे, ये पोजीशन पे स्टार्ट किया है आप देख सकते हैं। अभी इसमें हम गन्ना डालेंगे दोस्तों, गन्ना डाल के आपको बताएंगे, देखिए दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों, एक बार लगा के आपको छोड़ देना है, रुकना नहीं है दोस्तों, लगा के इसको छोड़ देना है आपको, एक बार लगा देना है, गन्ना चला गया उसके अंदर, उसके बाद एक दूसरा गन्ना डालेंगे आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं दूसरा गन्ना डाला हमने, ये लगा के छोड़ देना है आपको, पकड़ना नहीं है दोस्तों उसको। ये देखिए दोस्तों, लाइन टू हम पूरा गन्ना डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं पूरा, ये देखिए दोस्तों,
लगा के छोड़ दिया हमने, और यहाँ पे पूरा इसका फिल्टर दिया गया है दोस्तों, ये फिल्टर होके आएगा गन्ना का जूस, यहाँ पे जो गाल के पूरा गन्ना जूस निकलेगा। आप देखिए दोस्तों, हम चालू करेंगे यहाँ पे, ये देखिए निकलना स्टार्ट हो चुका है गन्ने का जूस, यहाँ से पूरा फिल्टर होके निकलेगा जूस इसके अंदर से। ये देखिए बेस्ट क्वालिटी का शुगर केन जूस निकल रहा है इसके अंदर दोस्तों, एकदम ग्रीन कलर का है, कोई भी इसके अंदर वो नहीं है, कलर चेंज नहीं है इसके अंदर, आप देख सकते हैं पूरा। ये देखिए यहाँ पे ऊपर जो कचरा है, जो उसके अंदर गाढ़ा रहता है, कचरा रहता है, वो सब ऊपर ऊपर गन्नी में ही डाला हुआ है इसमें, देख सकते हैं आप पूरा। ये पूरा फील हो चुका है गन्ने का जूस, अभी हम थोड़ा आप ऑपोजिट साइड पे आएंगे, आपको बताएंगे दोस्तों। ये हमने आपको गन्ने का जूस निकाल के बताया दोस्तों, अभी यही गन्ने का जूस आपको ये कस्टमर को सर्विंग करना है तो आप इसको सर्विंग कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये गन्ने का जूस आपका रेडी है, आप कस्टमर को सर्व कीजिए। अगर कोई कस्टमर नींबू चाहिए उसको तो आपको वहाँ पे क्रशिंग में ही नींबू डाल देना है, अगर कोई कस्टमर अदरक चाहिए तो क्रशिंग में ही अदरक डाल देना है, अदरक नींबू का टेस्ट उसके अंदर गन्ने के जूस के अंदर आ जाएगा। अगर कोई कस्टमर इसमें बोलता है कि आइस चाहिए मेरे को, तो आप ऊपर से यहाँ से आइस बॉक्स में से उसको आइस भी डाल सकते हो, यहाँ से आइस बॉक्स में से निकाल के आइस भी दे सकते हो दोस्तों उसको। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की मशीन है, अभी हम थोड़ा आपको टर्निंग घुमा के दिखाएंगे मशीन का। और यहाँ पे दोस्तों आपका जो वेस्टेज जाता है ये पूरा यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ से जो पीछे वेस्टेज निकल के नीचे हमने एक स्टोर टैंक डाला हुआ है, वो स्टोर टैंक में सीधा गिरेगा उसका। आपको कोई कस्टमर कोई चिकना कोई खराब कोई यहाँ पे वेस्टेज निकला है कोई वेस्टेज ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा हमने स्टील बॉडी का पूरा स्टोर टैंक डाला है, वो हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। अभी पूरा टर्निंग घुमा दीजिए, और यहाँ पे हमने डोर भी डाल दिया, पूरा पैक कर दिया, आप देख सकते हैं दोस्तों ये पूरा पैक हो चुका है। अब ये यहाँ पे आप खोलेंगे दोस्तों तो आपका कोई स्पेयर गन्ना, आपने इस टाइप का गन्ना कटिंग करके रखना है तो यहाँ पे आप स्टोर करके रख सकते हो यहाँ पे गन्ना। आप देखिए दोस्तों जितना भी गन्ना चाहिए यहाँ पे आप स्टोर टैंक भी है इसका, आपको अलग से स्टोर लगाने का जरूरत नहीं है। ये डोर से आप निकालेंगे तो यहाँ पे हमने ये टैंक है पूरा, ये फोल्डिंग है पूरा निकल जाएगा जब भर जाता है पूरा टैंक, ये पूरा हेवी ड्यूटी टैंक है पूरा, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए इसमें गन्ने का कचरा वेस्टेज आ चुका है, और इसका आप दोस्तों क्रशिंग देखिए एक बार, एक क्रश देखिए दोस्तों एक बार, इसमें जरा भी जूस नहीं है, देखिए ये देखिए जरा भी इसके अंदर जूस पड़ा नहीं है, आप देख सकते हैं पूरा। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, तो ये स्टोर टैंक आपका यहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं यहाँ पे। और मेन चीज है दोस्तों इसमें आपको जरा भी पावर देने का इलेक्ट्रिक का जरूरत नहीं है, कोई भी आपको तार नहीं दिखेगा कहीं पे कि हमने कोई पावर दिया है। ये मशीन के अंदर भी इनबिल्ट रहता है, मशीन के अंदर इनबिल्ट ही बैटरी लगा रहता है दोस्तों। और यहाँ पे इसका चार्जर है, आप इसको चार्जिंग करना है तो यहाँ पे चार्जिंग केबल है इसका, यहाँ से आप उसको चार्जिंग कर सकते हो आप दोस्तों। अगर चार्जिंग खत्म हो जाता है तो बैटरी यहाँ से चार्ज हो जाएगा उसका। घुमा दीजिए पूरा मशीन को, ये मशीन अगर आपके वहां पावर है इलेक्ट्रिसिटी है तो आप पावर से भी इसको चला सकते हो, अगर सोलर सिस्टम से चलाना है तो भी चला सकते हो दोस्तों। इसके ऊपर अगर आप सोलर लगा देंगे तो धूप की वजह से सोलर सिस्टम से भी आपकी मशीन ऑपरेट हो सकती है दोस्तों। हर एक चीज मल्टी फंक्शन चीज है, आप मल्टी फंक्शन से आपको यूज कर सकते हो, पावर नहीं है तो विदाउट पावर पे चलाओ, पावर है तो कोई जरूरत नहीं है, और सोलर सिस्टम लगाते हो तो भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की मशीन हमने बनाई है, आज की तारीख में सबसे अपग्रेड मॉडल है, मार्केट में सबसे बढ़िया चलने वाली मशीन है। और मेन चीज है दोस्तों कि आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हो, जहां पे गांव है मेला है शादी है फंक्शन है कहीं पे भी ये पूरा काट लेके चले जा सकते हो दोस्तों। दिखने में भी पूरा लुक हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, पूरा बॉक्स यहाँ पे पूरा इसका वेस्टेज का बॉक्स सब पूरा एक्स्ट्रा पूरा लुक बना दिया है दोस्तों।
तो दोस्तों ये हमारे कस्टमर की मशीन जा रही है दोस्तों, ये मशीन हमने दी है कर्नाटका की सिटी है हुबली करके, वहां के लिए डिस्पैच हो रही है, इसलिए हमने आपके सामने वीडियो सर्विंग किया है। हम हर एक बार कुछ ना कुछ थोड़ा अपग्रेडेशन करते हैं। इससे पहले हमारी जो मशीन थी उसके अंदर थोड़ी साइज छोटी थी, तो हमने थोड़ी साइज मशीन की बढ़ा दी है। वो मशीन में पीछे डोर नहीं था तो उनमें हमने डोर डाल दिया है। उसमें स्टोर है, वो वेस्टेज का जो ड्रेनेज रहता है वो नहीं था तो हमने इसमें ड्रेनेज भी डाल दिया है कि जो कचरा है वो इजीली कस्टमर साफ सफाई कर सके उसको। तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की मशीन है दोस्तों, बहुत ही अच्छी चलने वाला बिजनेस है, मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस है। एक गिलास अगर आप ये बना रहे हो दोस्तों तो ये बनाने का खर्चा आपको 2.5 से 3 रुपये में एक गिलास गिरता है दोस्तों। प्राइस 15 रुपये में बेच सकते हो मिनिमम, 15 में नहीं 10 में भी बेचेंगे एक गिलास पे 7 रुपये का मुनाफा मिलेगा कम से कम दोस्तों। तो दोस्तों कॉन्टेक्ट एक बार, अगर आपको ये बिजनेस करना है या उसकी जानकारी चाहिए तो डायरेक्ट हमारी कंपनी के नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। हमारी कंपनी का नंबर है 9638234133, दूसरा नंबर है दोस्तों 9601298282। मंडे से लेकर सैटरडे तक सुबह 10 बजे शाम को 6 बजे तक कोई भी टाइम पे कॉल करके हर एक जानकारी डिटेल फंक्शन ले सकते हो दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो।